दोस्तों आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर की, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपनी सेल को स्विगी, जोमैटो और इनके जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सेल को दिखाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अपनी सेल को जोमैटो पर, स्विगी पर सेल करते हैं या इनके जैसे किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो अपनी GSTR 3B को कैसे फाइल करेंगे और कैसे वो अपनी सेल को दिखाएंगे, अपना टैक्स वगैरह की जो लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। और कैसे GST के पोर्टल पर वो अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी GSTR 3B है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, तो लक्ष्य सिर्फ एक होता है लाइफ में और रास्ते अनेक। मतलब उस लक्ष्य तक जाने का जो रास्ता है ना, वो बहुत सारे हैं रास्ते। आप किसी भी रास्ते से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आपका लक्ष्य घर जाने का है तो आपके घर जाने के कई रास्ते होंगे, और अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर ही नहीं जाओगे, आप दूसरे रास्ते से चले जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। अगर रास्ता बंद हो जाए तो लक्ष्य नहीं, रास्ता बदलो। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि कैसे अपनी GSTR 3B को फाइल करेंगे। तो फटाफट से यहां क्लिक करते हैं, ये हमारी GSTR 3B है। GSTR 3B पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम GSTR 3B पर क्लिक करते हैं तो यहां पर इसे क्लोज कर देंगे, और उसके बाद यहां पर कुछ टेबल्स हमारे पास हैं। तो हमने इससे पहले GSTR 1 को फाइल किया था, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने GSTR 1 को फाइल किया था तो वहां पर हमने कुछ सेल ली थी, एक कैश काउंटर की सेल थी और एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, उन सेल को हमने फिलअप किया था। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो सेल हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर ने मतलब हमने मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो स्विगी जोमैटो जैसे पोर्टल पर उन्होंने सेल की है, और ऐसे में अब वो अपनी GSTR 3B को फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें GSTR 3B के अंदर अपनी सेल को 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड, ठीक है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, इस टेबल के अंदर दिखाना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ध्यान से सुन लें, अपनी सेल को 3B के अंदर 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई इस टेबल के अंदर दिखाना है। क्लिक करेंगे इसे फटाफट से, और यहां पर ओके करेंगे, और यहां नीचे आके देखेंगे, यहां लिखा हुआ है सी पार्ट, यहां लिखा है अदर आउटवर्ड सप्लाई निल रेटेड एग्जेम्प्टेड, इसके अंदर आपको दिखाना है, और वो सप्लाई आपको यहां लिखनी है जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है 1799568। ये सप्लाई मैंने हाथ से बिल्कुल नहीं डाली, ये सप्लाई जो मैंने GSTR 1 में डाली थी वो ऑटोमेटिक फैच होकर यहां पर आई है। मैं आपको GSTR 1 की एक बार सप्लाई दिखा देता हूं। ये मेरा GSTR 1 यहां पर है, और इस GSTR 1 के अंदर देखिए, मैं फटाफट से इसके अंदर ओपन कर लेता हूं एक बार रिटर्न में जाकर के, और यहां पर जो हमारा ये मार्च का है इस पर हम क्लिक करते हैं, और ये हमारा GSTR 1 है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए, हमने जो GSTR 1 फाइल की थी वो टेबल नंबर 8 को सेलेक्ट किया था ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, और यहां पर इंट्रा डे सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने दिखाया था 1799568.54, और ऑटोमेटिक 1799568.54 ये GSTR 3B के अंदर ऑटोमेटिक फैच हो गई है। और बाकी जो हमारी दूसरी सेल है, जो हमारी कैश काउंटर की सेल है, मतलब जो डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आता है आपकी दुकान पर खरीदने, आपके रेस्टोरेंट पर सर्विस लेने, तो उनकी सेल आपको इसके अंदर दिखानी है, मतलब इसी 3.1 के अंदर ही, यहां पर ए नंबर कॉलम के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाना है जो भी टैक्सेबल सप्लाई है और जो इसके ऊपर CGST GST बनता है वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है, ठीक है, या IGST जो भी बनता है वो आपको इसके अंदर दिखाना है। तो इस तरीके से एक ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी दोनों तरह की सप्लाई दिखा सकता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल की है, स्विगी जोमैटो या अदर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और अपने कैश काउंटर पर जो सेल की है वो भी इस तरीके से दिखा सकता है। उसके बाद यहां पर कंफर्म कंफर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर हम देखेंगे
नेक्स्ट आगे इसके अंदर यहां पर सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद जैसे आपने इसे सेव किया, यहां से रिफ्रेश किया, फर्दर आगे इसके अंदर प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट हमारा स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद यहां से जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो आगे जाने के बाद ये इसने सब कुछ सेट ऑफ कर लिया है अपने आप। यहां पर मेरा कोई ITC बचा हुआ नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद मेरी जो लाइबिलिटी निकल करके आती है वो इतनी निकल कर आती है। अब मैं इस लाइबिलिटी को पे कर दूंगा और अपने रिटर्न को फाइल कर लूंगा। तो उसके बाद मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद यहां पर पेमेंट के लेजर पर ये हमें ले आया है, जो पेमेंट का चालान जो है पेमेंट के चालान पर ले आया है। उसके बाद ये हमारा अमाउंट फाइनली निकल करके आता है 79761, और उसको मैं ई पेमेंट पर क्लिक करके अपनी GSTR 3B को फाइल कर दूंगा। तो उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे ई पेमेंट पर, ठीक है, और उसके बाद जनरेट चालान। यहां पर तीन ऑप्शन है वैसे तो, यहां पर ओवर द काउंटर आप बैंक में जाकर भी जमा करवा सकते हो कैश, ठीक है, NEFT भी कर सकते हो चेक लगा करके, लेकिन मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहता हूं इसलिए मैं ई पेमेंट पर क्लिक करके जनरेट चालान पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ आपका नेट बैंकिंग है, मैं नेट बैंकिंग का यूज करूंगा। उसके बाद मेरा जो बैंक है HDFC बैंक है। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट, और उसके बाद यहाँ पर फटाफट से हम डालते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। ये देखिए यहाँ मेरा बैंक का पोर्टल ओन हो जाएगा। यहाँ पर रिटेल काउंटर, रिटेल यूजर है, क्लिक हियर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो मेरी नेट बैंकिंग की ID है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहां से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर कंफर्म। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे OTP आएगा, OTP इसमें डाल देंगे और हमारी चालान की पेमेंट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से इसमें OTP डालते हैं और सबमिट। देखिए यहां लिखा है योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और चलकर देखते हैं क्या हमारी GSTR 3B फाइल हुई या नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, अभी तो पेमेंट हुई है। अब मेरी जो लाइबिलिटी थी वो यहां पर निल हो गई। अब यहां पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहां लिखा ना मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, तो क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां यस करेंगे, और उसके बाद ओके, ऑफसेट हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, उसके बाद जो भी ऑथराइज पर्सन है उसे सेलेक्ट करेंगे और EVC पर क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा और रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो चलिए EVC पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं। उसके बाद एक और OTP आएगा, अभी रिटर्न फाइलिंग का OTP है, और इसके लिए हम अपनी जो मेल ID है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर OTP आ गया है, इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर जो OTP है वो हमारा जो टाइमिंग है 14:37 पर, तो ये वाला OTP है, इसे राइट क्लिक करके कॉपी किया मैंने, और फटाफट से इसमें हम डालते हैं पेस्ट, वेरीफाई और ओके। तो यहां से हमने इस तरीके से इसको फाइल किया। अब देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। यहां रिटर्न में जाएंगे, उसके बाद यहां पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 21-22 और मार्च सर्च, उसके बाद देखते हैं, देखिए GSTR 3B यहां लिखा है फाइल्ड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने अपनी GSTR 3B को फाइल किया और आपने सीखा, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके काम आएगी और आपको मतलब कि रिटर्न फाइल करने में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ऐसे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी यूट्यूब चैनल पर तो आपके अपने यूट्यूब ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।